हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्त, मैं आज आपको जैसे कि छोटा ब्लॉग बनाता रहा दोस्तों, आज स्पेशली परिवर्तन यात्रा में जा रहा दोस्तों, क्योंकि कल हुआ था जसपुर में और इसको वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि कैसे भीड़ भड़का था। तो फिलहाल दोस्तों आज कुमकुरी में भीड़ भड़का होने वाला है, वो किस लेवल में होगा दोस्तों, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बताऊंगा, और रैली भी निकलेगा दोस्तों तो उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों बंटर वीडियो में देख रही है। तो ये गड़कटा और मेरे घर के सामने दोस्तों आम पार्किंग लिखा हुआ है, और मुझे लगता है कि यहीं से दोस्तों पूरी तरफ से सिक्योरिटी लग गया है और यहां से आने जाने में थोड़ा सा पाबंदी बन गया है। फिलहाल बाइक बाइक तो आ जा रहा है दोस्तों, लेकिन कार में या स्कॉर्पियो या पिकअप में जो भी आ रहा है दोस्तों, इधर कहीं बस पार्किंग वार्किंग के लिए सुविधा दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ आप लोग को। दोस्तों मैं आगे बढ़ा था और ये है यहाँ पर दोस्तों कुनकुरी का पेट्रोल पंप है, बोले तो गड़ाकटा का पेट्रोल पंप, और यहाँ पर मुझे लगता है कि दोस्तों काफ़ी संख्या में भैया लोग रुके हुए हैं बाइक यात्रा के लिए, मुझे लगता है स्पेशली। तो भैया सबसे पहले तो बता दीजिए कि आज का जो परिवर्तन यात्रा है वो किस लेवल का होने वाला है, परिचय दे दीजिए पहले। नरेंद्र भाई अभी बताइए क्या बोल रहे हैं, आज का जो परिवर्तन यात्रा भी है वो किस लेवल का होने वाला है उसको बताइए थोड़ा। लेवल का होने वाला है, अब जैसे कल से शुरू हुआ है जसपुर से, जी जी जेपी नड्डा जी आए थे जी, उसके बाद में हम लोग कुनकुरी महुआ डोली से रिसीव किए जी, और उनको हम लोग आज मंदर स्वाता ले जाएंगे रथ यात्रा को, वहाँ से कांसा बेलने वाले आएंगे और इनका सम्पन्न होगा बिलासपुर में। अच्छा, बिलासपुर में समापन होगा वहाँ पे, बिलासपुर। हाँ, थैंक यू भैया। ऐसे चलते रहेगा। हाँ अच्छा, यात्रा कहाँ तक चलेगा? बिलासपुर तक। थैंक यू भैया। तो फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे दिखाता हूँ भीड़ भड़ाका का माहौल। ये दोस्तों ब्लॉक ऑफिस जहाँ पे है वहीं पे यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों ये गेट वगैरह, क्योंकि यहाँ से आने जाने के लिए थोड़ा सा पाबंदी है, लेकिन बड़ी गाड़ी वगैरह बोले तो फोर व्हीलर वगैरह आ जा सकता है, और इससे बड़ी गाड़ी जैसे बस है ये सब मुझे लगता है थोड़ा सा रुकावट होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ता हूँ और आगे का जो माहौल है उसको दिखाता हूँ। फिलहाल दोस्तों गांव घर से जो भी आ रहे हैं मेंबर, पिकअप वगैरह में आ रहे हैं, कार वगैरह में आ रहे हैं, ये देखिए, और यहाँ पर हमारे अतिथि रुके हुए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इधर है खेल मैदान, तो मैं उधर ही जाता हूँ और दोस्तों वहाँ पर का जो माहौल है उसको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों कन्नाशाला के पास का जो माहौल है वो माहौल, और मुझे लगता है दोस्तों थोड़ा मोड़ा स्टार्ट हो गया भीड़ भड़ाका का जो माहौल है बनना। तो फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल दोस्तों कोई अधिकारी आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी चें 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 कर रहा है, जो सरन है वो बज रहा है, और मुझे लगता है कि पार हो गए। और इधर दोस्तों मैं जो माहौल है उस माहौल को दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों पास जाके, क्योंकि थोड़ा सा गाना वगैरह बज भी रहा है, तो मुझे लगता है कि कॉपीराइट आने का जो शंका है दोस्तों वो हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं वहाँ पे जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाओ भीड़ भड़ाका को। फिलहाल दोस्तों इंतज़ार किया और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर नाच गान वगैरह भी चल रहा है, और मैं तो उधर दोस्तों जा नहीं सकता, क्योंकि गाना को दोस्तों आप लोग को स्पेशली कॉपीराइट आ गया, इसलिए मैं उस साइड जा नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ दोस्तों आप लोग को दिखाऊँ। फिलहाल दोस्तों इंतज़ार किया और देखते रहिए। भीड़ भड़ाका का जो सिचुएशन दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आगे होते जा रहा है, बोलते तो 12 बज गया है, और मुझे लगता है कि दोस्तों 12:30 बजे तक पूरी तरह से भीड़ भड़ाका होगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों काफिला जो है वो इस कदर है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अंदर जाता हूँ। फिलहाल दोस्तों सामने में नाचने वाला जो प्रोग्राम हो रहा है वो हो रहा है, और इधर देखिए भीड़ भड़ाका ऐसा है। एक ही ललकार हम सबकी, एक ही ललकार इस बार आपकी जनता पार्टी की सरकार। दोस्तों क्राउड देखिए, नहीं टेंशन मत लो, गर्मी की कतनों पड़े रहे, गर्मी कतनों पड़े रहे, जब हमारा हौसला बुलंद है, जब हमारा हौसला बुलंद है, तो गर्मी
नहीं आगे पानी सबसे लड़ जाओ डावर के बार मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाबो। माता की जय। माता की जय। वंदे के साथ पुनः गीत और संगीती इस मधुर बेला को आगे बढ़ा सुन ले फिलहाल दोस्तों ये मुझे लगता है नाचने के लिए स्पेशली तैयार हुए हैं। फिलहाल दोस्तों अभी 1:30 बज गया लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हमारे अतिथि महोदय जी आए हैं, क्योंकि वहाँ पर आने वाले दोस्तों अतिथि महोदय जो जसपुर में कल आए हुए थे वो स्पेशली आज भी यहाँ पर आएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी इंतज़ार करिए और देखते रहिए कितने समय आते हैं। मुझे लगता है दोस्तों हमारे अतिथि आ रहे हैं यहाँ पे संबोधन देने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों इस रास्ते में आ रहे हैं, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल इंतजार किए और देखते रहिए। संतोष सहाय जी, कपिल सिंह जी, कपिलेश्वर कपिल साय जी, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मालार्पण कर स्वागत करेंगे। फिलहाल दोस्तों बाइक में जो ट्रेन निकलने वाला है दोस्तों उसकी तैयारी करते हुए लोग। फिलहाल दोस्तों अभी कुछ संबोधन चल रहा है, उसके बाद मुझे लगता है दोस्तों इसके बाद डायरेक्टली रैली निकलेगी, तो उस चीज को दिखाऊंगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों बने रहिए, देख लीजिए इस साइड में दोस्तों सारे बाइक वाले हैं जो मुझे लगता है कि रैली में शामिल रहेंगे। दोस्तों ये देखिए बहुत संख्या में। तो फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और अरे आगे दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि आगे मुझे लगता है कि मौका मिलने वाला बैठने का बाइक में। आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे जिस टीम में बल्त बाइक में मर्स मिलाना है उससे मिलाऊंगा। ये देखिए दोस्त कैसे ब्लॉग को ले रहा हूँ, मजा मजा ला रहा हूँ। कहाँ पे है दोस्त? ये ड्रेस नहीं लगाया ना। यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होगा बाइक रैली, क्योंकि ये पुराना इलाहाबाद बैंक है और ये पास से सारा बाइक
इकट्ठा, और मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने वाला है जो बाइक रैली निकलेगा दोस्तों वही, और मैं आप लोग को 360 के मदद से भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है और क्या है। मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा दोस्तों इस रैली में शामिल होके। दोस्तों यहाँ पर सारे जो बाइक वाले मेंबर हैं सारे लोग नाश्ता करते हुए दोस्तों इधर भी है। और भाई कैसे नाश्ता करना है ना, नाश्ता करना है। मुझे लगता है दोस्तों बहुत ज़्यादा भूखे हैं और कुछ खाएंगे नहीं तो हम लोग जाएंगे ना समोसा। अभी हम लोग तो कुनकुरी का मशहूर होटल मधुबन होटल में हैं, मधुबन होटल मधुबन। तो भैया आप यहाँ का समोसा कैसे लग रहा है, समोसा खा के बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। भैया हम मधुबन स्वीट में आए हैं, समोसा क्वालिटी मस्त खाते के डाले हैं, मस्त है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, एक नंबर टेस्टी तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन यार एक चीज़ कमी है, पहले जैसा समोसा नहीं बनता यार, अभी पहले थोड़ा सा साइज भी कम हो, पहले का क्वालिटी थोड़ा बड़ा था। ये देख सकते हैं आप लोग मधुबन में कितना खचाखच भीड़ है। खबरों कैसे लग रहा है, जिसको बोलते दोस्तों सुकून, कहीं हम काम करके थक जाता ना और लोग ऐसे कि खाना नहीं जाता ना, उसको एनर्जी के लिए ना वाह सुकून मिलता है दोस्तों, और बस एक गिलास पानी के लिए बस नाश्ता करने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है। आप बताओ कैसे लग रहा है भाई, कैसे लग रहा है दोस्तों। हमारे बीच आ चुके हैं जय श्री राम भाई। अरे वाह, तो कुछ बोलना चाहते हो, थोड़ा सा पीछे हो जाता है वो, अभी रमन सिंह आएंगे यहाँ पे। अच्छा आएंगे ना, कार्यक्रम बहुत बढ़िया होने वाला है इस बार। अच्छा कुछ खा खाओ कि नहीं, खा खाओ कि नहीं, अभी तुरंत में आया हूँ, खा का ना, खा का। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। फिलहाल 4 बज गया और 4 बजे हम लोग डायरेक्टली निकल रहे दोस्तों रैली के लिए, और मेरे टोली जो है ये साथ में। तो फिलहाल दोस्तों लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को 360 का व्यू दिखाऊंगा। क्या देखिए दोस्तों, मेरे साथ में दोस्तों नरेंद्र भाई जो मेरे गाड़ी को ऑपरेटिंग कर रहा है, और इधर भी भाई लोग हैं। दोस्तों पूरे, अरे भाई मारो, सारा लोग निकल आए दोस्तों, और भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। पहुंच चुके हैं बंदर चुहा, और यहाँ पर का जो काफिला दोस्तों उसको दिखा रहे हैं।
याद करता हूँ दोस्तों मेरा अलग आपको चलो अगर चलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।